अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर टू अपना कंप्लीट किया था, एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी। तो आज हमारा है चैप्टर थ्री का आगाज़। तो चैप्टर थ्री भी चैप्टर टू की तरह है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, डेबिट क्रेडिट बताना है, इसके एक्सरसाइजेस में बस इतना ही है। लेकिन यहाँ जो दो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो है परचेज और सेल्स। हमने पिछले टाइम हमने पढ़ा था एसेट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, परचेज सेल्स। तो परचेज और सेल्स को हम आपको उसका कॉन्सेप्ट दे देते हैं। परचेज और सेल्स जब हमारे पास इस्तेमाल होता है, देखें जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम जैसे कोई एसेट होता है ऑफिस फिक्स्चर्स, तो हम उसका डायरेक्ट नाम लिखते हैं ऑफिस फिक्स्चर्स, हमने डेबिट में लिखा है, हमने यानी कि हम बाय किया है। लेकिन जब हमारे पास वर्ड्स आते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स, जैसे कोई ट्रांजेक्शन दी हुई है, जैसे कि अभी हम आगे सवाल में आप देखेंगे ट्रांजेक्शन दी हुई है बाय बाउट गुड्स ऑन बाय बाउट गुड्स फॉर कैश 560 यूरो, यानी कि उन्होंने कुछ गुड्स हैं जो बाय किए हैं 550 यूरो पे। तो जहाँ पे आपको ये वर्ड नज़र आएगा ना, गुड्स, इन्वेंट्री और स्टॉक बाय किया है या सेल किया है, तो यहाँ पे आपका आता है परचेज और सेल्स का। जब आपको लिखा हुआ मिले बाउट गुड्स यानी कि परचेज हुआ है, सोल्ड गुड्स यानी कि सेल हुई है। तो इसको हम फिर गुड्स यानी कि नाम से नहीं लिखेंगे, कि जैसे अगर बाउट गुड्स है तो हम फिर उसको डेबिट साइड पे लिख रहे हों गुड्स, नहीं, फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं। मैं आपको आने वाले सवालों में ही बताऊंगा इसका पैटर्न। तो उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं परचेज स्लैश गुड्स, या फिर खाली परचेज भी आप लिख सकते हैं। तो आप जैसे कि आप इसका टी अकाउंट देख सकते हैं, परचेज बिल्कुल एसेट की तरह होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट, जब घटता है तो क्रेडिट, यानी कि जब हम चीज़ बाय करते हैं तो वो डेबिट साइड पे, जब हमारे पास चीज़ जाती है तो वो क्रेडिट साइड। अब डेबिट वाला तो देखें हमने परचेज किया है, लेकिन क्रेडिट क्या है? क्रेडिट ये है परचेज रिटर्न। अब फर्ज करें हमने कोई चीज़ परचेज की मगर वो फटी हुई निकली या उसको हमें समझ नहीं आई, तो हमें रिटर्न करनी है। तो जब वो चीज़ हमारे पास से जाएगी, हमारे पास उसके बदले पैसे आएंगे या चेक आएगा, तो वो आएगा परचेज रिटर्न पे। तो क्रेडिट साइड हमारी होती है परचेज रिटर्न। ये चीज़ें बहुत काम की हैं, बिकॉज जब हम आपके जाके जनरल एंट्रीज बना रहे हैं अभी, तो हम जब हम उसकी जनरल लेजर्स बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो उसमें बहुत काम आएगा ये, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ अलग लिखनी पड़ती है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, आगे एक्सपेंसेस आएंगे। जब हम ये सारे मरहले पार कर लेंगे एक्सपेंस वगैरह, तो फिर हमारे पास ट्रायल बैलेंस वगैरह आएंगे। तो परचेज रिटर्न को एक और नाम हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बिकॉज हमारे पास से चीज़ जाती है, हमारे पास से चीज़ जाती है, तो आउटवर्ड, तो इससे याद रखें आउट, हमारे पास से चीज़ जा रही है, आउट हो रही है, तो यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। तो सेल्स का इस तरह है, सेल्स जब हमारे पास होती है तो वो डेबिट में होती है, सॉरी, सेल्स जब होती है तो वो क्रेडिट में होती है, क्योंकि सेल्स बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड बढ़ती है। ये जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी, तो इसको आप एसेट से याद रखें, इसको आप लाइबिलिटी से याद रखें। और जब सेल्स रिटर्न होता है, यानी कि हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा, अब वो हमारे साथ हो गया, हमने सामान गलत बेच दिया या कुछ ख़राब सामान बेच दिया, और कस्टमर ने वो सामान हमें रिटर्न किया है, तो वो हमारे पास सेल्स रिटर्न कहलाएगा। अब वो रिटर्न आउटवर्ड था, तो ये रिटर्न इनवर्ड होगा, बिकॉज हमारे पास चीज़ आ रही है, रिटर्न हमारे पास हो रही है, तो रिटर्न इनवर्ड, इन हमारे पास वो चीज़ इन हो रही है, तो इससे आगे याद रखें रिटर्न इनवर्ड। तो ठीक है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बोला अब ये एक्सरसाइज थ्री की शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि थ्री में जो है ये बहुत यूज़ होने वाला है गुड्स का मामला। ज़्यादातर आपको जो वर्ड्स है वो गुड्स देखने को मिलेगा, गुड्स बहुत इस्तेमाल होता है, बाउट गुड्स, परचेज वगैरह में। तो बस ये दो टी अकाउंट्स ऐड हुए हैं, इसको आप एसेट, इसको आप लाइबिलिटी समझ के चलें। वैसे इतना मुश्किल नहीं है इसको याद रखना, मतलब अगर आपको परचेज याद हो गया तो आपको सेल्स याद जाएगा, क्योंकि सेल्स इसका रिटर्न है। तो आप यूँ समझे ये परचेज है, ये परचेज रिटर्न है। तो या तो अगर आप इसको सेल्स याद करना है तो ये याद करना, ये सेल्स रिटर्न है। परचेज का टी अकाउंट इज इक्वल टू सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू एसेट, आप इस तरह देख सकते हैं, बल्कि सेल्स रिटर्न ना देखें, सॉरी मैंने थोड़ा सा ब्लंडर मार दिया। अब डायरेक्ट यहाँ से डाला, तो बेसिकली ये था थोड़ा सा टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट, परचेज और सेल्स का। मैंने सोचा
एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक्सरसाइजेस में ये बहुत यूज़ होगा, गुड्स का खासकर बहुत यूज़ होता है, अबाउट गुड्स वगैरह परचेज सेल्स में। तो बस उसके बाद हम अपना चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, 3.2A से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब वो वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।